नमस्कार, आप देख रहे हैं JNI न्यूज। JNI न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं अपेक्षा यादव। दोस्तों, बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर, आइए खबर को देखते हैं विस्तार से। बाराबंकी में मिशन शक्ति के माध्यम से ग्राम छेदा नगर में ADG लखनऊ जोन मीरा रावत ने जागरूकता अभियान चलाकर नारी सशक्ति अभियान को शासन के मंशन रूप से मजबूती प्रदान करने की ऐतिहासिक पहल को 1090 को लेकर जागरूकता अभियान चलाया है। आइए देखते हैं कुलदीप वर्मा की एक खास लेकर के किन बिंदुओं पे जागरूकता की गई। मिशन शक्ति का अभी दूसरा चरण चल रहा है, मिशन शक्ति कार्यक्रम जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, इसमें 8 मार्च तक भी हम लोग इसी की श्रृंखला में लोगों ने एक संवाद श्रृंखला शुरू करी है, इसका नाम उद्गार है, जिसमें हम लोग ग्रामीण इलाकों में भी जा करके ग्रामीण जो हमारे भाई बहन हैं, हमारे माता पिता हैं, उनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं और उनको हम बताना चाह रहे हैं, उस प्रोग्राम से जोड़ना चाह रहे हैं ताकि हर घर तक हमारी बात पहुंचे और हमारी एक चेन बने कि एक घर दूसरे घर को बताए, दूसरे घर किसी घर को बताए। और हमारा मकसद दो ही है, एक तो ये कि अगर कोई घटना हो जाती है तो उसके ऊपर उनके पास क्या क्या व्यवस्थाएँ हैं पुलिस की, और घटना से पहले भी हम लोग उसमें कैसे एक माइंडसेट चेंज कर सकते हैं, उसके लिए हमें हर घर में घर के रहने वाले माँ, पिता, बच्चे, भाई, बहन, दादा, चाचा, मामा, हर की ज़रूरत है। ग्राम क्षेत्र में आपको क्या महसूस हुआ, ध्यान चला इसमें क्या महसूस हुआ लोगों में? मुझे ये लगा कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अवेयरनेस है जी, बहुत अच्छी लेवल की अवेयरनेस है। और आज मुझे यहाँ की बच्चियों ने ऑलरेडी, मैं जब आई हूँ तो मिशन शक्ति का ऊपर उन्होंने एक स्लोगन खुद अपने आप से बना करके दिया है। बच्चियों में यहाँ पर बहुत अवेयरनेस है, महिलाओं में भी मुझे यहाँ पर अच्छी अवेयरनेस दिखी। किसी ने हमारे सामने स्लोगन बोला तो किसी ने हमारे सामने एक अच्छा योगा का प्रदर्शन किया। ये सब दिखाता है कि उस बच्चे को और उस बच्ची को डेफिनेटली उसके माँ ने, उसके पिता ने बहुत प्रोत्साहन दिया होगा जो वो आगे इतनी भीड़ के सामने आज कर पाई। उसी प्रकार से जैसे हमें अपनी बच्चियों को आगे उठाना है, उसी प्रकार हमें अपने बच्चों को भी जो हमारे घर में लड़के हैं उनको भी हमें बेहतर जागरूक करना है कि कैसे समाज में हम एक बेहतर पिता बने, एक बेहतर भाई बने, एक बेहतर पति बने। और जब हम लोग बाहर सोसाइटी में जा रहे हैं तो हम लोग बाकी महिलाओं का भी उसी प्रकार सम्मान करें जैसा हम अपनी बहन के लिए चाहते हैं, अपनी बेटी के लिए चाहते हैं।